अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है 4 1 1 4, ओके, और पूछा है आइगन वैल्यूज λ1 और λ2। तो अब आइगन वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब जो मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ दी आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, 4 प्लस 4 दैट इज 8। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, वो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 × 4 16 माइनस 1 × 1 1, सो ये आ गया 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो λ1 इज 5 एंड λ2 इज इक्वल टू 3। सो आइगन वैल्यूज क्या हो गई इसमें, 5 एंड 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।